नमस्कार छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की स्मृति में धमतरी जिले के नगरी विकास खंड के वनांचल दुगली पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम स्वराज एवं वनाधिकार मड़ी में शिरकत की। सीएम ने लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्र में स्व सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा भी की। साथ ही मुख्यमंत्री बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम ने 134 करोड़ रुपए के 121 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके साथ ही सीएम ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री और चेक का वितरण भी किया, जबकि दुगली में 3 एकड़ पर बने मां अंगारमोती गौठान का लोकार्पण भी किया। धमतरी जिले में 36 लघु वनोपज केंद्र की घोषणा, साथ ही राजीव गांधी के नाम से राजीव गांधी स्मृति औद्योगिक केंद्र हर जिले में बनाया जाए, पूरा 27 जिले में औद्योगिक केंद्र खुली वो राजीव गांधी जी के नाम से रही। हिंदुस्तान के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन रहे हैं तो राजीव गांधी रहे। युवा री से युवा मन के सपना री से युवा मन से बहुत उम्मीद री से और युवा मन पर हमेशा वो सोचे री से वो कहते थे पूरा छत्तीसगढ़ के हर गांव में राजीव गांधी युवा मितान क्लब के गठन किए जाए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज